सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी साइंस के बारे में जो अगर आपको वो अपनी बॉडी में देखने को मिलती है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका लीवर खराब हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि लीवर हमेशा एकदम से खराब नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पहले हेल्दी लीवर होता है वो फैट डिपोजिशन होने पर वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो हेपेटाइटिस की कंडीशन में आता है, उसके बाद वो उसमें फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद वो सिरोसिस ऑफ लीवर में आता है, और उसके बाद उनमें से कुछ लीवर कैंसर के फॉर्म में आ जाते हैं। अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह लीवर जो इस प्रक्रिया में से पसार होता है वो इस प्रक्रिया में से पसार होने से पहले हमें कुछ सिम्टम्स देता है, यानी कि कुछ लक्षण देता है। अगर हमने वो लक्षण को आइडेंटिफाई कर लिए और उसकी डॉक्टर के पास जाकर जांच करा ली तथा उसकी योग्य तरीके से ट्रीटमेंट करा ली और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया तो हम अपने लीवर को ऐसे ही खराब होने से बचा सकते हैं। और अगर वो खराब होने से बचाए ना जा सके तो फिर हम उसके यह कोर्स को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ताकि 20 से 25 साल तक हम लोग उस पेशेंट को जीने का समय दे सके। तो आइए जानते हैं लीवर डिसऑर्डर्स के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिसे जानकर हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 है पीलिया हो जाना, वो भी बार बार। पीलिया हो जाने से बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, उसमें आंख के स्क्लेरा का भाग भी पीले रंग का दिखाई देता है। अगर बच्चों में यह कंडीशन हुई यानी कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा तो फिर उसे कॉर्निक टरस कहते हैं। उसमें बच्चों में कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट लक्षण है भूख कम लगना या फिर कमजोरी देखने को मिलना। इसके साथ साथ डायरिया तथा वॉमिटिंग यह सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको बार बार डायरिया तथा वॉमिटिंग होगा तो फिर आपके बॉडी में हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। हाइपोकैलेमिया मतलब बॉडी में पोटेशियम लेवल का कम हो जाना। ऐसी कंडीशन में मसल में क्रैम्प तथा पाल्पिटेशन जैसी परिस्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कॉन्जुगेटेड प्रकार का बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो आपके स्किन में इचिंग देखने को मिलना, साथ में हमारा स्टूल जो ब्राउन कलर का होता है वो मिट्टी के आकार का यानी कि क्ले कलर का हो जाना, उसके साथ साथ यूरिन डार्क कलर का हो जाना, यह सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अभी लीवर डिसऑर्डर में प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन उसकी भी कमी हो सकती है क्योंकि उसका निर्माण भी लीवर ही करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण कम होने पर शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे हाथ और पैर में सूजन देखने को मिलती है, आंख के आसपास सूजन देखने को मिलती है, चेहरे में सूजन देखने को मिलती है, उसके साथ साथ हमारे पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है जिसे असाइटिस कहते हैं। अभी स्किन एनलार्ज हो जाता है, साथ में लीवर भी एनलार्ज हो सकता है। लीवर एनलार्ज होने पर आपको उस जगह पर पेन भी देखने को मिल सकता है। अभी ऐसे कई हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी होने पर ऐसे हॉर्मोन्स में भी कमी देखने को मिलती है, और जिस हॉर्मोन की कमी देखने को मिलती है उसके अनुरूप सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। लीवर जब खराब होता है तब बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से
टेस्टी छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से संतान होने में भी दिक्कत होती है, और उसके साथ साथ मेल में ब्रेस्ट का आकार भी बड़ा होने लगता है, जिसे गायनेकोमास्या कहते हैं। लीवर का एक और फंक्शन है कोएगुलेशन फैक्टर्स का सिंथेसिस करना। यह कोएगुलेशन फैक्टर्स बॉडी में जब भी चोट लगती है तब ब्लड को क्लॉट करने में वो उपयोगी है, लेकिन जब भी लीवर खराब होता है तब ऐसे कोएगुलेशन फैक्टर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग चोट लगने के बाद चालू ही रहती है। यही वजह है कि सर्जरी कराने से पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी और एपीटीटी इसका टेस्ट कराया जाता है। अभी ऐसा देखा गया है कि मोस्टली सभी दवाइयां लीवर में ही मेटाबोलाइज होती है, इसलिए अगर लीवर खराब हो तो जो दवाई होती है उसकी इफेक्ट या तो बहुत ही बढ़ जाती है या तो बहुत ही कम हो जाती है। यह बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि इससे दवाई की टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। कई बार लीवर खराब होने पर ग्लूकोज इनटॉलरेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा भी बहुत ही बढ़ जाता है। अभी आपको इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिले तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT टेस्ट कराएगा, जिसकी मदद से वो आपकी टोटल बिलीरुबिन वैल्यू, उसके साथ साथ टोटल प्रोटीन, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, SGPT, SGOT यह सभी प्रकार की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी मदद से आपको वो डायग्नोसिस कर पाएंगे कि आपका लीवर खराब है या नहीं, और खराब है तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है, वो आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवाई खाकर तथा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके आप अपने लीवर को बचाया जा सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।